तो जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज़ और मेरे चैनल का नाम है जी आई जे रिव्यू। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से ना एक और न्यू डिवाइस आ रही है पाकिस्तान में, जिसका नाम है जी गैलेक्सी A04S के नाम से। और ये जो डिवाइस है ना यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है सैमसंग की, वहाँ पे ये डिवाइस ऑफिशियली जाके लिस्ट हो चुकी है और इसकी स्पेसिफिकेशन भी 100% कन्फर्म हो चुकी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। मैं आपको बताता हूँ इस डिवाइस के फीचर्स के बारे में विदाउट टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के डिज़ाइन के बारे में। बैक का डिज़ाइन बिल्कुल ही घटिया प्रोवाइड किया गया और फ्रंट डिस्प्ले डिज़ाइन भी घटिया प्रोवाइड किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस टैग के वाले। तो स्मार्टफोन की जो प्राइस है ना पाकिस्तान में, ओ भाई 30,000 यार, 30,000 की प्राइस टैग में ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगी पाकिस्तान में। भाई मानते हैं, हम मानते हैं कि जो सैमसंग है वो सैमसंग है, इस तरह की हरकतें सैमसंग करना छोड़ दो प्लीज यार। ये इस डिवाइस की प्राइस बिल्कुल भी 30,000 नहीं है। तो ये डिवाइस पाकिस्तान में 100% ओवर प्राइस के साथ आएगी। तो भाई कोई पागल ही होगा, कोई साइको बंदा होगा जो इस डिवाइस को परचेज करेगा। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के ना डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का स्क्रीन साइज दिया गया है और यहाँ पे हमें 1080p की रेजोल्यूशन नहीं प्रोवाइड की गई, बल्कि HD की रेजोल्यूशन हमें इस डिवाइस में प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे आपको 60 हैशेस का रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड किया गया है। तो भाई यहाँ पे आपको IPS का पैनल नहीं दिया गया, ना ही AMOLED का। भाई यहाँ पे आपको TFT का पैनल दिया गया है, जो इतना भी अच्छा एक पैनल नहीं है। अब बात करते हैं यार स्मार्टफोन के ना प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको Exynos 850 की चिपसेट प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे आपको Mali-G52 का GPU भी प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आपको 2.35 GHz ऑक्टा कोर का प्रोसेसर भी प्रोवाइड किया गया है। तो भाई अगर बात की जाए ना Exynos 850 चिपसेट की परफॉर्मेंस की, तो बिल्कुल ही घटिया परफॉर्मेंस है। तो आप इस डिवाइस में PUBG को इतने भी ज़्यादा देर तक नहीं खेल सकते। भाई अगर बात की जाए ना Exynos 850 चिपसेट की परफॉर्मेंस की, तो बिल्कुल ही घटिया चिपसेट है और उसकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ही घटिया है। सो डैट्स वाई आपको यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गंदा देखने को मिलेगा। तो भाई ये डिवाइस फ्यूचर में जाके ना अगर आप इसे परचेज करते हो, तो भाई ये डिवाइस बहुत ज़्यादा लैग भी होगी और हैंग भी होगी। अब बात करते हैं यार स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। तो बैक पे आपको 3 कैमरास की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। 13 मेगापिक्सल का एक वाइड लेंस दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है। तो बैक पे आपको सिंगल LED फ्लैश लाइट की ऑप्शन भी प्रोवाइड की गई है। तो बैक कैमरा से ना 1080p और 30 फ्रेम पर सेकेंड पे आप वीडियोज वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात की जाए, तो फ्रंट पे आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों फ्रंट सेल्फी कैमरा से भी ना 1080p और 30 फ्रेम पर सेकेंड पे वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट के बारे में। तो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की ऑप्शन भी प्रोवाइड की गई है। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है और ये जो स्मार्टफोन है ना फास्ट चार्जिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। तो भाई एंड पे यही कहना चाहता हूँ, डिवाइस 100% घटिया डिवाइस है और परचेज करने का कोई फायदा नहीं है। तो भाई एंड पे यही कहना चाहता हूँ, अपने पैसे ज़ाया नहीं करने, क्योंकि 30,000 की प्राइस टैग में आपको सेकेंड हैंड डिवाइसेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे पाकिस्तान में। तो आज के लिए इतनी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लाजमी दबाना। तो आज के लिए इतनी वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।